कोरोना काल में चाहे फिर वो 2020 हो या 2021 में, देश ने बहुत तकलीफ झेली है और आज भी झेल रहा है। जहां कुछ जगहों से ऐसी खबरें आईं कि लोग इस परेशानी में भी अपना मुनाफा देख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि वाकई इंसानों में अभी भी इंसानियत बाकी है, यानी जिंदा है। धर्म जाति से उठकर लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचा है और ये दिखा दिया है कि हम इंसान एक हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम, सब एक हैं और हम मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और इस बीमारी को हरा देंगे। एक बहुत ही अच्छी तस्वीर और खबर सामने आई है शाहनवाज की, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। चलिए आज बात करते हैं शाहनवाज की। मैंने अपनी गाड़ी तक भेजी कोविड पेशेंट्स की जान बचाने के लिए। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारी कमी बताई जा रही है। ऐसे में मुंबई के एक व्यक्ति की फ्री ऑक्सीजन सप्लाई स्कीम कई लोगों के लिए जीवन दायिनी संजीवनी साबित हो रही है। मुंबई के शाहनवाज शेख ने पिछले साल अपनी SUV कार बेचकर ऑक्सीजन सप्लाई स्कीम शुरू की थी, जो अब भी कोरोना वायरस महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए जारी है। शाहनवाज शेख अपनी इस पहल से मलाड के मालवणी में एक हीरो बन गए हैं। वे अपने यूनिट और डिग्निटी फाउंडेशन के जरिए इस अभियान को चला रहे हैं। एक ऑटो बुलाया, ऑटो में अपनी वाइफ को रखा और हॉस्पिटल्स में गए। तो एक हॉस्पिटल में गए तो एक हॉस्पिटल ने बोला कि नहीं, आप कोविड की रिपोर्ट लाई है। दूसरे में गए तो दूसरे ने बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। तीसरे के पास गया, तीसरे ने बोला हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। पिछले साल फोर्ड एंडेवर को बेचकर जरूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया, इसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। शाहनवाज का कहना है कि पिछले साल जब हमने शुरुआत की थी तब हमने 5000 से लेकर 6000 लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई थी। इस साल शहर में ऑक्सीजन की कमी है, जहां पहले हमें 50 से 60 कॉल आते थे, अब हमें 500 से 600 कॉल आ रहे हैं। अपनी गाड़ी बेच दूंगा तो देखिए गाड़ी तो फिर से आ जाएगी, मैं वापस सेविंग कर लूंगा। शेख ने आगे कहा कि कोविड की पहली लहर के दौरान जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की उनकी पहल उनके दोस्त के कजन की कोविड-19 मौत के बाद शुरू की गई। जब उन्हें पता चला कि समय पर ऑक्सीजन से उसकी जान बचाई जा सकती थी, शेख ने कोविड मरीजों के लिए दवाइयां ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए उनकी SUV बेच दी। सोशल मीडिया पर उनकी पहल की काफी प्रशंसा की जा रही है। कई लोगों ने इस काम के लिए ट्वीट करके उनकी तारीफ की है, यानी कि अब शाहनवाज मलाड के नहीं देश के लिए भी हीरो बन गए हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें इस कोरोना काल में हमने देखी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इससे समझिए कि अभी भी इंसानों में इंसानियत बाकी है।